अरे कहाँ है यार, फोन नहीं उठा रही है। अरे और रोपी के का हाल है? अबे वही चमड़ी वही खाल है। अबे मेरा मतलब है कैसा है? अबे कैसा हूँ ये मत पूछ, कैसे जी रहा हूँ ये पूछ। क्यों क्या हो गया यार, आज तू इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? अरे यार कालिया क्या बताऊँ यार, पूजा से मिलने का मन कर रहा था यार, फोन भी लगा रहा हूँ तो उठा ही नहीं रही है, फोन नहीं उठा रही है। अबे उसके मम्मी पापा होंगे इसलिए नहीं उठा रही होगी। यार कालिया मिलने का कुछ जुगाड़ लगाना। क्या जुगाड़? अब देखो भैया जुगाड़ तो है लेकिन तुम कर पाओगे तो। अबे कर लूंगा, तू सिर्फ बोल क्या करना है। ला फिर कान इधर दे। अबे नहीं यार, धनिया पुदीना नेनुआ सब बेच चुके हैं भैया, प्लीज कोई दूसरा आइडिया हो तो बता। अबे यार तू लगता है फिर मुझे परेशान करेगा। अबे इसलिए परेशानी की क्या बात है, तू मेरा दोस्त है ना, और वैसे भी शायद तुझे पता नहीं है, किसी ने कहा है दोस्ती बुरी हो तो उसे होने मत दो, और अगर हो जाए तो उसे खोने मत दो, और अगर दोस्त तुझ जैसा प्यारा हो तो उसे चैन की नींद सोने मत दो। अबे कहाँ आ गया यार तेरे पास। अच्छा ठीक है, तू एक बात बता, जब उस दिन तू गया था पुदीना बेचने तो पूजा आई थी मिलने? आई थी मिलने? अबे किस भी दी थी, लेकिन यार उसी वक्त उसका खड़ूस बुढ़ा बाप आ गया था। अबे तब तो धुलाई हो गई होगी। किसका? तेरा? अबे नहीं यार, तुझे लगता है कि वो साला खड़ूस बुढ़ा हम लोगों को मार पाएगा? भाग गए थे। ओ अच्छा अच्छा भाग गए थे, लेकिन यार तू कुछ भी बोल, उसका बाप तुझे देखा जरूर होगा। अबे बुढ़बक जब सामने था तो देखेगा नहीं, मैं कोई मिस्टर इंडिया थोड़ी ना हूँ जो नहीं दिखूंगा। तब तो भैया मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भी धुलाई हो जाएगा। अबे नहीं होगा धुलाई कालिया, प्लीज यार कैसे भी करके मिलवाना, प्लीज यार प्लीज। हाँ हाँ रो मत, सोचने दे। अबे जल्दी सोच, मिलने भी जाना है। आइडिया ठीक है, तू ना उसके पास फोन लगा और उससे पूछ उसके मम्मी पापा घर पर है क्या। अबे बकरे के शकल के व्यक्ति, इतनी देर से तू यही सोच रहा था? तेरे आने से पहले मैं कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अच्छा नहीं उठा रही है, ठीक है तू ना एक काम कर, देख मेरे पास एक नया नंबर है, तू उस नंबर से जरा फोन लगा के देख उठाती है क्या। ला दे। हेलो। अबे तेरी तो ये आइडिया तो काम कर गया। अच्छा उठाई थी? हाँ। अबे बुढ़बक तो काट क्यों दिया, बात करना चाहिए था ना। हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया। अबे भुलक्कड़ उससे मीठी मीठी बात कर, उससे पूछ उसके मम्मी पापा घर पर है क्या। अबे कॉल लगाने की जरूरत ही नहीं, उधर ही से कॉल आ रहा है। यार ऐसे कैसे हो गया, काला मैं इतने दिन से उसका रिचार्ज करवा रहा था, उसने कभी मेरे पास मिस कॉल तक नहीं की, और नया नंबर देख के फोन लगा रही है। काले तू इससे कहीं बात वात तो नहीं करता है? अब लो यार, इसीलिए तेरा मदद करने का दिल नहीं करता है। ला नहीं बात करना तो मोबाइल इधर दे। रुक रुक बेटा, ये मेरा बचपन का प्यार है, तुझे मालूम है ना, अगर बेटा मेरे साथ गेम खेला ना। अरे यार पीके क्या बात कर रहा, मैं तेरे साथ गेम खेलूंगा, पगला मत, बात कर उससे। हेलो पंकज, देखो तुम नंबर बदल बदल के कॉल मत किया करो, पापा को पता चल जाता है। अरे कौन पंकज? मैं पीके बोल रहा हूँ, पीके। अरे बाबू तुम? हाँ मैं। तू पहले ये बता पंकज कौन? अरे मुंह में जबान नहीं है क्या, बता पंकज कौन? बाबू तुम कैसे? बाबू पीके वी एस पंकज। अरे हाँ, अरे वाह मेरी जान, मैं तो भूल ही गया था। बाबू ये किसका नंबर है? कालिया का। तू मेरे वाले नंबर से उठा ही नहीं रही थी तो इसके नंबर से ट्राई किया। और बाबू कैसे हो? क्या बताऊँ मेरी जान, तेरा प्यार पाने के लिए ना जाने मैंने कितने इंतजार किए। क्या? हाँ, और उस इंतजार में ना जाने कितनों से प्यार किया। अबे क्या बोल रहा, पागल हो गया बाबू? क्या मतलब? मेरा मतलब तेरे इंतजार में ना जाने मैंने कितने आंसुए बहाए।
जानू तेरे प्यार की रोशनी ऐसी है कि हर तरफ मुझे उजाला नजर आती है। सोचती हूँ घर की बिजली कटवा दूँ। क्यों? क्योंकि बिल बहुत ज्यादा आती है। अबे ओ, ये तो शायरी बोल रही है। अबे तो तू भी बोलना। जानू सुनो, मूली गाजर का नूर तुझ पर बरसे, तेरी चाहत को आलू टमाटर तरसे, तेरी जिंदगी में इतने आए कद्दू कि तू टिंडे खाने के लिए तरसे। अबे ये कैसा बचपन का प्यार, बाबू तुम ना बिगड़ गए हो। अरे क्या करूं मेरी जान इस बिगड़ी हुई जिंदगी की, बस इतनी सी कहानी है। 20% बचपन से कमीना था, 80% इन दोस्तों की मेहरबानी है। बाबू बस बस, ये बताओ कॉल क्यों किए हो? पूजा आई लव यू मेरी जान, शादी कर ले मुझसे। आई लव यू टू बाबू, लेकिन मैं शादी तुमसे नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती है। डिटॉल से नहा के आऊंगा फिर तो मानेगी ना? वो क्यों जान? क्योंकि मामा ने सिर्फ डिटॉल का धुला। बाबू मजाक मत करो, हम दोनों एक नहीं हो सकते, भूल जाओ मुझे। नहीं जान, मैं नहीं भूल सकता, और तू मुझे भूल जाए मैं होने नहीं दूंगा। मारूंगा जरूर लेकिन तुझे रोने नहीं दूंगा। अभी ये का था? अबे धमकी, अबे साले मैं तुझे मीठी मीठी बातें करने के लिए बोला था, मिर्चा उगलने का नहीं, मीठी मीठी बातें ले। अब देख, हाँ सुन मेरी जान, कुत्ता मर गया रजाई में, मैं पागल हो जाऊंगा तेरी जुदाई में। अच्छा हाँ, जैसे पानी में मच्छर तैर नहीं सकता वैसे मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। अरे नहीं जान, क्या बोल रहे हो, पागल हो गई हो? तू डर मत मेरी जान, तू मेरी बियर है तो मैं तेरा चखना। आई लव यू मेरी जान, अपना ख्याल रखना, आ रहा हूँ मैं। अरे मेरी मैया आज लगता है मरवा देगा। हेलो हेलो पीके, काट दिया, कालिया चल हाँ पूजा से मिलने। अबे फोन काट दिया क्या? हाँ। अबे बुड़बक पूछ तो लिया होता उसकी मम्मी पापा है कि नहीं। अबे क्या तू उसके बाप के पीछे पड़ा है, मुझे पूजा से मिलना, उसके बाप से थोड़ी ना। अच्छा ठीक है चल भाई चल, लेकिन देख मैं अंदर वंदर नहीं जाऊंगा भैया, पहले ही बोल देता हूँ। अबे मैं जाऊंगा अंदर, तू बाहर खड़े रहना चल। अरे तू अभी किससे बात कर रही थी? पापा वो ला मोबाइल इधर दे। ये क्या नया नंबर, बोल कौन था? बोलती है कि लगाऊं ये? पापा पीके था। पीके था क्या, वो बोला बता। पापा वो मिलने आ रहा है। क्या मिलने आ रहा है? उस हरामखोर की इतनी हिम्मत, वो मेरे घर पर आएगा मिलने, आज मैं भी देखता हूँ कहाँ जाएगा भाग के। अरे देखना कहीं तुम्हें ही ना भगा दे वो। क्या बोली? हाँ हेलो जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब मेरे घर में गुंडा घुसा आया है, मेरी बेटी को जबरदस्ती भगा के ले जाना चाहता है। अरे उसके बाप का राज है क्या? साले को पकड़ के रखो, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है सर जल्दी आइए, आज देखता हूँ वो कहाँ जाएगा भाग के। जग्गा भीमा चिक्का चिकारा तुम लोग इधर आओ। उस दिन तुम लोगों से जो पुदीना वाला लड़का बताया था वो आज आ रहा मेरे घर मेरी बेटी से मिलने। वो साला बच के नहीं जाना चाहिए, जाओ चारों तरफ कुत्ते की तरह लग जाओ। आ बेटा आज तुझे पता चलेगा। जानू मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ओ हेलो सहदेव जी आ गए हैं, ध्यान दो आ गए चल। अरे ना भैया ना, मैं नहीं जाऊंगा, तू जा मैं इधर ही हूँ। ठीक है रह। पूजा मेरी डार्लिंग, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। लगता है आ गया। पूजा की माँ, इसे अंदर ले जाओ। पूजा पूजा पूजा, जग्गा भीमा चिक्का चिकारा पकड़ो साले को। अरे मेरी माँ भाग कर लिया। अबे कौन है बे, छोड़ बे छोड़, अबे छोड़ साले, आसी भात खा खा के आयो पीके को पकड़ने। अरे तुम लोग देख के आ रहा हो, मारो साले को। पूजा, उससे मिलने से पहले मेरे लाश पर से गुजरना होगा। ए देखो बुढ़ो, हम आए अपने
उनके प्यार से मिलने, हम मिलके ही जाएंगे। अबे चुप, तेरे बाप का राज है। तिवारी कहाँ है गुंडा? अरे तिवारी जी, तुम तो कह रहे थे कि एक ही है, यहाँ तो चार चार हैं। हवलदार पकड़ो सालों को। अरे क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे आदमी है। गुंडा तो ये है लंबे बाल वाला। ओ अच्छा अच्छा, हवलदार छोड़ दो उन्हें। क्या वे तेरा इतना हिम्मत, तिवारी खानदान के लड़की को भगा के ले जाना चाहता है? अरे सर मैं भगा के नहीं ले जा रहा था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो बुला के लड़की से पूछ लीजिए। तिवारी जी लड़की कहाँ, जरा बुलाइए तो। एक साहब बुलाते हैं। अरे ओ पूजा की माँ, जरा लेके आओ उसे तो। हाँ सुन, अगर वो पुलिस वाला तुझसे पूछेगा कि उससे तू प्यार करती है तो तू साफ साफ उसे मना कर देना, नहीं तो इतनी मार मारूंगी ना, मार मार के तेरी चमड़िया उधेर दूंगी। हाँ पूजा, जरा इनको बताओ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अरे तुम चुप क्यों हो, बोलो। नहीं करती मैं प्यार तुमसे। पूजा क्या बोल रही हो तुम? ऐ चिरकुट सुन लिया ना, इंस्पेक्टर साहब लेके जाओ इसे। सर सर एक मिनट, पूजा क्या तुम मेरे बचपन का प्यार भूल गई? अबे चुप, ये क्या लगा रखा है बे, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार। नहीं करती है तुझसे प्यार, बोली है सुनाई नहीं दिया क्या? इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे। एक मिनट सर, मुझे एक बार और इस लड़की से पूछ लेने दो। पूजा तुम एक बार मंदिर में घुस के कसम खा लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। हाँ कसम। नहीं क्या हुआ बाबू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपने घर वालों के डर से हम बोल नहीं पाते हैं। सर हम इसके बिना जी नहीं सकते, हम भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। तिवारी जी सुन रहे हैं ना, आपकी बेटी भी इस लड़के से प्यार करती है, देखो भलाई इसी में है कि इन दोनों की शादी करवा दो। एक है इंस्पेक्टर साहब, अगर कानून की यही फैसला है तो हमें मंजूर है।